बिहार बोर्ड की मैट्रिक की परीक्षाएं शुरू हो गई। छात्र उत्साह से परीक्षा देने पहुंच रहे। बेतिया में एक ऐसा छात्र परीक्षा देने पहुंचा जो आकर्षक का केंद्र बन गया। दरअसल नरकटियागंज के प्लस टू हाई स्कूल का छात्र है। वह मैट्रिक की परीक्षा देने बेतिया गया था। कॉलेज के सीएस राजेश कुमार वर्मा ने शमशेर अंसारी का सहयोग करते हुए खुद उसके सीट तक पहुंचाया। उससे पहले उसकी जांच भी की गई। केंद्र पर मौजूद लोगों ने उसकी पूरी सहायता भी की। शमशेर अंसारी का कद छोटा था पर उसके हौसले बुलंद थे। लोग उसे अजूबा की तरह देख रहे थे। वह अपने मगन चलता रहा। बौने कद के शमशेर को देखने और उससे बात करने के लिए परीक्षा केंद्र पर छात्र काफी उत्सुक दिखे। कॉलेज के सीएस राजेश कुमार वर्मा ने बताया कि सरकार की समावेशी शिक्षा के तहत किसी भी दिव्यांग और बौना को पढ़ने लिखने और परीक्षा में भाग लेने का अधिकार है। सर, ये बच्चा जो है ये नाटा है, बौना है, लेकिन समावेशी शिक्षा जो सरकार ने लागू की है उसके अंतर्गत विकलांग हो या बौना हो, सभी बच्चे एक साथ एक ही क्लास में पढ़ें और एक साथ आगे बढ़ें, उनमें किसी तरह का हीन भावना या सिंपैथी देकर उसमें हीन भावना ग्रसित करने की कोशिश। आपका परिचय? नाम राजेश कुमार वर्मा हुआ,